सर पॉपकॉर्न कौन कौन से खाए? अब पॉपकॉर्न का इतना क्या है साहब, हमने पॉपकॉर्न को मैंने कहते धानी, वो धानी जो है मक्का की बनती है, वो ज्यादा करके ये चीजें जो मेरे ट्रेन में असर को खाने में आती है, जैसे आलू कभी मिलती नहीं है, वो धानी है पॉपकॉर्न की। भाई आपने बोला कि जैसे आपने जो है पॉपकॉर्न जो है मेरे लिए ढेले लगाया, मगर मेरा सेहत जाना हुआ तो मैंने सेहत में भी देखा कि आजकल तो जिन्हें हर दिन और आधे दिन भी जो है वो मिलने लग गई, और कई लोग उसको मतलब जो है बड़े शौक से खाने लग गया, और उसकी दुकानें भी ज़्यादा देखने को मिली मुझे। सर जी मक्का की जो धानी आपने बताई ये दो प्रकार से होती है, एक हमारे वहाँ जो है कि तीखी होती है और एक होती है फीकी। फीकी वाली बड़े लोग खाते हैं शौक से, और जो है फीकी बच्चे खा लेते हैं। चिकन पॉपकॉर्न खाया? चिकन चिकन की धानी? नहीं सर कभी नहीं खाया। यार ये तो बड़ा अटपटा नाम लग रहा है, चिकन की धानी। आप कह रहे हैं कि मक्के की पॉपकॉर्न, अब पॉपकॉर्न का नाम जब भी सुनता हूँ तो सिर्फ मक्का की ही याद आती है, अब आप कह रहे हैं कि मुर्गे का पॉपकॉर्न, सब ये तो बड़ी अजीब बात है। सर ये बात तो मेरे भी दिमाग से बहुत ऊपर जा रही है, लाइए आप देखते हैं उसको क्या चीज है वो। लाइए सर लाइए। अबे ये तो लाओ, ये भजिया सरी का लग रहा है यार। ये काम मैं भी ये जैसा हूँ, क्योंकि मक्का की पॉपकॉर्न, अब पॉपकॉर्न तो पहले सिर्फ धानी की कराई है, अब ये मक्का ये मुर्गे के पॉपकॉर्न को कौन सी पॉपकॉर्न आ रहा है, आज पहली बार देख रही हूँ मैं यार। सर पूरा मूंग का भजिया लग रहा है मेरे को, साथ में चटनी भी रख दी आपने। राइन बाकी मैं इसमें तो खुशबू जो है मुर्गे की आ रही है यार। यार आप तो कह रहे हो मुर्गे को खुशबू आ रही, मैं तो ये समझ रहा हूँ मेरे को मूंग का भजिया दिन दिख रहा है, देखो उसकी बनावट आप देखो ऐसा अभी साथ में ये सोच भाव भैया, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मुर्गे की बोटी समझ में नहीं आ रही है कि मुर्गे की बोटी तली है या मुर्गे के मतलब ये कीमा करके जो है मसाला बना के तो तला है इन्होंने। अरे यार अकबर जी ये तो ऐसा है, जब तक इसको मन खाएंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे इसको। मेरे यही तो भैया इंतजार किस बात का, यादगार हो और शुरू किया जाए। जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज खाने को मिली है, उसका स्वाद भी अलग और जायका भी अलग, क्या बेहतरीन चीज बनेगी। बच्चे से लेकर बोले तो जिसकी वजह से तो बड़ा आराम से खाएगा, बड़ा आनंद आएगा। सही कह रहा हूँ भैया, मजा आ गया, बहुत अच्छी लगी। अब अभी तक अपने कोई नहीं खाई, अब बिल्कुल शोर में खाते देखते हैं। इसका कुरकुरापन वाकई में जो जान ले दिया, बहुत अच्छा लग गया वाकई यार। ये जो है कि चटनी का खाने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। मैं सादा खाया था तो कुछ वो लग रहा था, शौक के साथ खाया तो यार उसका अंदाज ही कुछ और बन गई है। दोनों प्रकार से बड़ा प्यारा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। इतना अच्छा लग रहा है फिर बैठे बैठे जो पचास साठ सौ पीस वैसे ही खा जाओ तो कैसे खा जाओ। अरे मजा आ गया खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तीन तीन घंटे की जो है पिक्चर निपटा दे ये तो। सही है, आप कुछ फिल्म में चले जाओ, तीन घंटे आपको कब चले आपको पता नहीं चले, बहुत बाकी चीज नहीं मजा आ गया। लेकिन मुर्गे के कीमा के साथ इसमें
जो कुछ रवा वगैरह डाला होगा उसको इसको भर कर करके बेला होगा। यह मैं कुछ ऐसा सवाल आ गया फुलकड़ापन जो है मेरे साथ बेसन से नींद नहीं आता तो ये तो हम ब्रेड कर टुकड़े या मैदा ये दो चीज़ का इसमें मिश्रण को करके कला होगा उसके बाद में इसको चला होगा। यार अकबर जी चीज़ तो बड़ी प्यारी है और आप देखो कि इसके अंदर सफेद सफेद भी हाँ। तो मुझे अंदर कोई ब्रेड वेड दिख रही है पूरा जो है कि मेरे को जो है कि चिकन की टुकड़ा दिख रही है अंदर पर जो परा समय में आ रही है मेरे को भाई चिकन तो है हाँ। चिकन का टुकड़ा लिया उसके बाद जब तक मेरा ख्याल है कि ब्रेड को पानी भिगो के ब्रेड ब्रेड तो नहीं है इसमें ब्रेड तो नहीं लग रहा भाविया मेरे को बेसन लग रहा है हाँ बेसन का ज़्यादा सवाल आ रहा है जो ऊपर की जो आप देख रहे हो ये परत हाँ देख रहे हो ये परत है ये परत ही ब्रेड का टुकड़ा है और भैया पंजे रही अरे वाह भाविया फिर तुम्हारे खाने का बहुत नाले मैं जो बेच गया हूँ ना मैं पकड़ नहीं कर पा रहा था यार बाकी सर चीज़ बहुत ज़ोरदार है यार मज़ा आ गया अच्छी चीज़ बनी आपने मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर जो है मसाला जो है जो बनाए बनाए गए हैं तो एक तो जो है धनिया आएगा दूसरी मिर्ची है तीसरा नमक को जो है अजीब टाइप का डला हुआ है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है समझता हूँ क्या नमक मिर्ची धनिया तो आपने बोला लेकिन इसमें एक सवाल का काली मिर्ची और कुल मिलाकर आप तो ये देखा जाए तो मसाला इतने कम मात्रा में बना है कि आप बच्चे को दे देते हो या मुझे को दे दो आराम से बैठ कर बिना सुसा के इसको खाता रहेगा। हाँ सर सही बात यार बाबू ये मुझे याद है एकदम दिमाग में बात है कि जमाने के ज़माने में तुम्हारे दारू दोस्त हुआ करते थे तो वो चखने में क्या खाते थे यार उसके साथ में क्या वो भजिए से ज़्यादा खाते थे और ये भी सवाल भजिए से देखा है अगर ये चीज़ अगर उनको मिल जाए तो ये समझ लगे उनको उनको तो सुहागा मिल जाए मुझे तो पढ़ेंगे साले हाँ पढ़ेंगे तो वो मुझे हाँ जाओ भैया ये चीज़ें ना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान देगी ऐसा हाँ क्या बात है यार वाकई यार चीज़ तो सर बहुत जोरदार बनी आपने यार भाव भाई ये इसके अंदर बोला है कि कीमा डरा हुआ है बाकी मेरे को तो कीमा जो है दिख नहीं रहा अब कितना बारीक पिसा होगा इन्होंने ये कीमा जो है बोल रहे हैं और कीमे का स्वाद आ रहा है इसके अंदर बाकी दिख नहीं रहा अब मैं भी अगर लेकिन कीमा अपने को दिख नहीं रहा अरे बाबू भैया आजकल क्या है मशीन आ गई है उसके माध्यम से बनाया होगा ये भी सही बात है ये बिल्कुल सही बात है अपने वहाँ तो आज भी हाथ से कीमा करके करते हैं भाव भैया ये जो है चिकन जो है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और अपने अपने हाथों जब पकाते हैं ना तो दही में या और दूसरे मसाले जो आते हैं उसके अंदर तल के और जो है खा लेते हैं अपन बाकी ये जो तला है वो ये जो खाना मन इसका इसको स्वाद बहुत बहुत अच्छा लग रहा है नई चीज पकड़ी ना मैं तेरे को एक राय देना चाहता हूँ यार अपने शादी विवाह में बहुत चल रहे हैं और शादी विवाह में अक्सर करके मैंने ये देखा चिकन चिल्ले का चलन खा लो तो बेहतर है रोज खाएंगे नुकसान पहुंचा सकती है अब देखो फिर की बात बच्चे देखो कौन देखा तुझे समझने की बात है हाँ साहब वीडियो तो हो गई है वीडियो देख के मेरे को साहब का शुक्रिया अदा करना है तो उसके लिए भी आप ये चीज पेश कर रहा हूँ आपके सामने ले जाए एहसान तेरा होगा।